मगलन भगवानी बीरो मगलन मतम बड़ी मगलन मुकुंद मुंदाद्यो जय धर्म होस्त मगलम ओम ने नव तिलकड़ा धार्यम धार्यम यम धार्यामि हरे हरे श्रीमन्निता मर सिरट तिरट दीप्ति तोया विभासि चरणा कुज युग ममीशम यहाँ कति मस्तक प्रथमा जनस है संसार में उनके मुख तुम कहाँ दिदस्ता सद्भाव लाभ सम्यक निमित्त योगा तद्य मलनिया कुछ मैं चिपामे ओम नमः शिवाय प्रपुषांजलि चिपामे श्री पीठ कलप दे विस्तार चदोगे श्री पस्ते पुरुष चांद बलपे श्री वर्ध के चरण श्री दीवार दर सद्य बंदे श्री अंकितामे ओम नमः श्री कालिग्नम करामे कनकादिनु कारणो पावनम पूर्ण कारणो ओम निप्रदो पिरिसाप्नम करोमि उत्तरी चंदने तंदल पोष्पिकाय चरुषने पेशतोप पलारिकाय दवले मानले गाने दवा कुले जिने ग्रहे जिने नाते पामे जिने ओम नेत्र चकर विशिपुरे अर्गम नर्भवामे तुषा गंगारी चावर सुधर मन पीठ कुंभ तल गगा तप निवारक भूषितावे वरदास नंद जय पाठ पदावली में सिंहासने जन्मवत मंत्रयामी विश्वदश विरंदा जिमबल करे विश्वदश विरंदा जिमबल कर इताप विषय भक्त पीठे मोह सवे आदिनाथ भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो
सभी चिंता में परेशान तो मन के गुरुवारा कंचन श्री विद्याभूषण श्रीमती शरण जी महाराज के अभी अभिषेक की क्रिया चल रही है। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर शांति धारा होगी। अनेकों महानुभाव के नाम यहाँ पर शांति धारा में आ चुके हैं। शांति धारा के साथ ही यहाँ पर 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विभाग का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज 40वां दिन विधान का है। मात्र 4 दिन रह गए हैं। जिस किसी भी महानुभाव को यह विधान करवाना हो, इस विधान से अछूते रह गए हो, जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया हो, वे इस विधान को अवश्य करवाएं। यह कल्याण मंदिर विधान कल्याण का घर कि हे भगवान, आपने तो अपना कल्याण कर दिया, हमारा भी कल्याण हो। इस भावना से संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से यह विधान यहाँ पर किया जा रहा है। आप अवश्य अपना और अपने परिवार का नाम लिखवाएं। साथ ही यहाँ पर 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक महामृत्युंजय विधान का आयोजन हो रहा है, जो कि काल सर्प दोष निवारक स्वास्थ्य वर्धक व्यापार वृद्धि शिक्षा वृद्धि हेतु यह विधान किया जाएगा। आज अनेक महानुभाव परेशान है, कोई व्यापार से, कोई स्वास्थ्य से। कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच में पल रही है, उसे मंत्रों के माध्यम से, आहुतियों के माध्यम से यहाँ पर निवारण किया जाएगा। काल सर्पदोष का यहाँ पर, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि कुंडली में काल सर्पदोष है, कैसे उसका निवारण हो, तो आचार्य श्री विद्याभूषण श्रीमती शरण जी महाराज ने, गुरुदेव ने यह विधान इसी भावना के साथ लिखा था। और यह विधान 3 वर्ष तक 11,000 जोड़ों से लगातार करवाया। हर अमावस्या को यह विधान में जहां भी होते थे, अमावस्या पर यह विधान जरूर करवाते थे। आज वही विधान यहां पर 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक 40 दिन तक चलेगा। आप अपने और अपने परिवार की ओर से यह विधान जरूर करवाएं। जिन्होंने अपने नाम नहीं लिखवाए, वे जरूर, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, कहां भी है, शक्ति से अधिक नहीं करना और शक्ति को छुपाना नहीं। आपकी यदि सामर्थ्य है तो इस विधान को कराना ना चुके, क्योंकि यह विधान सभी परिवार के लिए सुख समृद्धि प्रदान करेगा। और अभी शांति धारा बने जा रहे हैं, हमारे परम सौभाग्य का समय है। हमारे यहाँ पर शिवानंद जी महाराज और कृष्णानंद जी महाराज और पहले से ही एलाचार्य श्री त्रिलोकभूषण जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, और तीनों महाराज श्री का हमें सानिध्य और माता जी भी यहाँ पर हैं। सभी का सानिध्य हमें यहाँ पर विधान में प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग भी यह विधान जरूर करवाएं। और 31 तारीख को यहाँ पर शरद पूर्णिमा का वह दिन शुभ अवसर पर यहाँ पे विधान का समापन होगा। आप उसमें भी अपना नाम लिखवाएं और आए और विधान के समापन पर। और अब यहाँ पर शांति धारा प्रारंभ होने वाली है। स्वागत
Thank you.
पश्चिम बिहार अमित जैन टिंकू छाया रामपुर जैन ऋषभ जैन दुबई दिनेश जैन बिंबी जैन आयुषी जैन अपूर्व जैन तेरकले दिल्ली उमेश जैन मंजू जैन वरुण जैन मंजू जैन के साथ लाभ दो शुभ समृद्धि दो बिहारी कॉलोनी दिल्ली जयमाला जैन रंजीत जैन रेणु जैन निधि जैन महक जैन जीवन के लिए दिल्ली प्रकाश जैन रेणु देवी जैन अनिल जैन रुचि जैन नितिन जैन मनमोहन जैन अभिनंदन जैन शुरवी जैन आयुषी जैन शुभम जैन आनिया अनुष्का जैन ऋषभ जैन बगड़ा परिवार आनंदपुरी कानपुर श्रीमती शांति देवी अनिल जैन आशा जैन आनंद जैन मीनाक्षी जैन अनुप्रिया जैन दिविशा जैन काठलेवार परिवार आनंदपुरी कानपुर श्री भानु जैन शोभा जैन राहुल जैन भावना जैन चंद्र वर्षम समृद्धि बिहार कॉलोनी दिल्ली रणी हरिद जन्म दिवादी शिष्य रोशन दीदी रेखा दीदी सुमित दीदी कुशलम्मा श्रीमती हनुमान चिंद्रन जैन आश्रम बड़ा पद्मा देवी प्रकाश जैन शुभ समृद्धि जगदलपुर इन महानुभाव ने चौवन देश विधान का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगामी तारीखों में आप भी अपने परिवार की ओर से एक दिन का तीन दिन का शांति धारा विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। महानुभाव आगामी तारीखों में 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक त्रिलोक तीर्थ बड़ागांव में कालसर्प दोष निवारक व्यापार वृद्धि सुख समृद्धि के लिए महामृत्युंजय विधान होने जा रहा है, जिसमें सौभाग्य प्राप्त किया है श्री श्यामला जैन स्नेह जैन अमित जैन सचिन जैन अनुज जैन शायद परिवार स्वास्थ्य लाभ तो सुख समृद्धि तो पश्चिम बिहार दिल्ली नवीन जैन मधु जैन राशि जैन डॉक्टर नितिन जैन विनु जैन शाहरा दिल्ली शारदा दिवंगल दिल्ली अनिता जैन अविनाश जैन सचिन जैन सीमा जैन पायल जैन आरती जैन आर्या जैन उन्नति जैन सरपति जैन मेरठ श्री हरिचंद जैन ओषा जैन मनोज जैन दीपक जैन दुर्गा जैन शायद परिवार श्रद्धा टिम्पर बलबीर नगर दिल्ली माया जैन अमित जैन उपाध्य जैन संयम जैन तनिष्क जैन नवीन चारा इन महानुभाव ने 40 दिवस विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 11 दिन में माया जैन अमित जैन उपाध्य जैन संजय जैन तनिष्क जैन नवीन चारा दिल्ली स्वर्गीय हीरेलाल जैन राशि जैन प्रभा जैन अमित जैन बिहारी कॉलोनी दिल्ली जशी जैन के जन्मदिन पर संदीप जैन मणिपुर नगर इन महानुभाव ने 11 दिन का विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है और 6 दिन के विधान में मनोज जैन अंकुर जैन ईशिका जैन निशान जैन भोलानंद नगर दिल्ली सरोज जैन प्रेमी प्रेमपुरी मुजफ्फर नगर और 5 दिन के विधान में महित जैन मुनि जैन मधुबन दिल्ली नितिन जैन शाहरा सुषमा जैन जबलपुर अजय जैन अर्जुन जैन तरंग जैन अनिष्का जैन अधिश जैन नेहरू नगर गाजियाबाद श्री अनिल जैन अंकित जैन ऋषभ जैन ऋषभ बिहार दिल्ली श्री विपिन जैन पुलकित जैन देखा जैन साक्षी जैन करोमा श्री विनय जैन कुमकम जैन आशीष जैन टीना जैन मंत्र जैन आदिनाथ ज्वेलर दिल्ली और 40 दिन के विधान में 3 नाम और हैं चक्रे जैन कमले जैन पांडव नगर राकेश जैन सुलेखा जैन विनीत जैन सीमा जैन अतुल जैन नवीन शारा दिल्ली श्री रंदेश जैन पाठ जैन विधान जैन अंकित जैन कार्तिक जैन गुड़गांव इस प्रकार इन महानुभाव ने मनोज जैन सुपुत्र श्री सीपी जैन कृष्णागर इन महानुभाव ने 10 दिन का विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इस प्रकार किन्हीं महानुभाव ने 40 दिन का किसी में महानुभाव ने 11 दिन का 10 दिन का 5 दिन का 3 दिन का विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी अपने परिवार की ओर से 5 दिन का 10 दिन का 21 दिन का या 40 दिन का विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। यह विधान 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक त्रिलोक तीर्थ बड़ागांव में यहाँ पर चलेगा, जिसकी लक्ष्य राशि एक दिन की 1100 रुपए है। आप 41,000 रुपए देकर के 40 दिन के विधान एवं शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। महानुभाव जैसे आप यहाँ पर भी शांति धारा देखेंगे, यह शांति धारा जनमानी चैनल पर ठीक 7:30 बजे से 7:40 तक प्रसारित की जाती है। समय का ध्यान देंगे त्रिलोक तीर्थ बड़ागांव की शांति धारा 7:30 से 7:40 तक जनमानी चैनल पर प्रसारित की जाती है और यही शांति धारा एवं विधान यूट्यूब चैनल पर गुरु माता दृष्टिभूषण माता के नाम से सर्च करेंगे उसमें भी आप देखेंगे और उसको सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आगामी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अपूर्ण माता जी के मुखारविंद से मंगल में शांति धारा में प्रारंभ हो रही है। बोले पार्षनाथ भगवान की जय। बोले चित्तामणि पार्षनाथ भगवान की जय। गौरवाचार्य श्री विद्याभूषण श्रीमती शागर जी महाराज की आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की कदाचार्य श्री प्रियभूषण जी महाराज की मुनि श्री शिवानंद पशुमानंद जी महाराज की शांति धारा यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है।
बोलिए छुट्टी बोलिए छुट्टी पारिश्नाथ गणी गुरुराज श्री विद्याभूषण श्रीमती शरद जी महाराज की ओम प्रेम श्री प्रेम एम अरम ब्रह्मा महम सम तम तम ब्रह्म ब्रह्मा महम हम सम सम तम 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 ब्रह्म दीम दीम चिम चिम त्रम त्रम त्रिम त्रिम त्रवे त्रवे ओम नमो हरते भगवते प्रचीना से पुष्कर विषय दे तेज मोति नमः श्री शांति ना शांति कराय सर भी नाथ नय सर रोग प्रकट नाथ नय सर पर चुद्र मतम नाथ नय सर शाम दामन भी नाथ नय ओम प्रेम शम कट के ते 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 खाते जाते कर रही नाले स्फोटे स्फोटे सर स्कंदा खुरुकुर परम ओम श्री श्री परमात्मा सियाव सर आदित्य नमस्कार ओम सर शांति पुष्प
शांति धारा में शांति गुण प्राप्ति सदगा देवी राधे गणपति तक कई बनवा अरे घर में मानव अभी आप लोग के प्रारंभ में मंगल में शांति धारा पर देख रहे थे। जिन मानवों ने सौभाग्य प्राप्त किया शांति धारा कराने का एवं विधान कराने का उन मानवों के नाम यहाँ शांति धारा में ले गए। आगामी तारीखों में आप भी अपने परिवार की ओर से एक दिन का, पांच दिन का, दस दिन का, 41 दिन का विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन मानवों को शांति धारा में या विधान में अपना नाम देना है वह हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8392841885901392013920 इन नंबर पर शांति धारा विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मानभाव यह 44 दिवसीय कल्याण मंदिर यहाँ पर विधान चल रहा है जिसका आज 40वां दिन है और मात्र 4 दिन और शेष है कल्याण मंदिर विधान के। उसके पश्चात 1 तारीख से यहाँ पर महामृत्युंजय विधान 40 दिवसीय यहाँ पर चलेगा। कल्याण मंदिर विधान के 5 कलश मांडले पर विराजमान है जिसमें 3 कलश की स्वीकृति प्रदान हो सकती है, हो चुकी है। मात्र 2 कलश शेष है, एक मुख्य कलश, एक अन्य कलश। जो भी मनोभाव कलश लेने में अपना सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं वह भी हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिने शक्ति शगदिना
वर्तमान विराजित आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री ज्ञानसागर जी महाराज, आचार्य श्री वसुदास जी महाराज, एनाचार्य श्री तिलकभूषण जी महाराज, शुभानंद जी महाराज, प्रश्नानंद जी महाराज, सर्व उपांच आचार्य पाते साधु चरणार्थ अर्घ्य नमामि। Hello।
जाओ मैं देव सास गुरु जगत पूज्य
परम धर्म को जीवन में अपनाना है।
पाता दीपक में
कब बोले नाम
करो के गल बल हो जाए। जन्मति दाता पारस स्वामी पारस मणिया भंडार भरे, बस गुण देखो पूजन करते भक्ति मिल जावो तीर करे। और प्रिया के लोकाल से परे शांति कल्याण मधि पाठा जी ने जय मां जय माला पुनर गम निरो पावे। शांति रूप पारे प्रभु शांति दो तो विष्णु शांति हर अर्पित करें उत्तम गुण को शांति धारा शांति धारा शांति धारा पुष्पित हो तुम लोग पुष्पांजलि चेपन करें जन्मति बने इत्यादि आशीर्वाद से पुष्पां के नीचे पे कल्याण मंदिर मुदारी मगत वेदी आभया प्रतमेन्दित भक्ति पत्त संसारी सागरी भज सुशेषु जंतु कोठाय मान अभिनव जिनेश काल सर्पादि अशुभ योग शांत अवय प्रदाता श्री पारसनाथाय नमः भवन्ति शिशु यदि भक्त तारक श्री श्री पार्श्वनाथ नारायण मन भवन्ति।
शांति किंतु आप
सिरा पहले भी समेशा अज्ञान वै तपिसा देव कंच देव ज्ञान कई पृथ्वी सुविकास ओ मय परम प्रेम कौन काल सब सा कै दरित नाशक श्री पारस नारायण मार गण पांते सारार संवृत भांति न जान सि दोषात स्थापितानि कमठेन सटेन यानि छाया पितै सर्वनाति हता तासो ग्रस्तंत मे विरे मेल परम ओम परम प्रेम कौन काल सर्व सा कै बुझे प्रदाता श्री पारस नारायण मार गण पांते
आपके चरणों को तत्काल आपके चरण कमलों को मासात पाकर के भी प्रणिधान बंधु उनका ध्यान नहीं किया तो करें आपकी चरण कमलों को भी पाकर के मैंने आपका ध्यान नहीं किया उनका ध्यान नहीं किया तो करें बंधुस में मैं कैसा हूं तो करें मैं अभागा हूं फलहीन हूं चेत भुवन पाव रहा उसमें तो करें भुवन यानी तीन लोग को पाव रहा यानी पवित्र करने वाले आप कैसे हैं भुवन तीनों लोगों को पवित्र करने वाले हैं अपने बल के आश्रय रक्षा करने वाले शरणागत का प्रतिपालन करने वाले अष्टकल्पी शत्रु का नाश करके अपनी कीर्ति विख्यात करने वाले आपके चरण कमलों को भी यदि मैंने पाकर के उनका ध्यान नहीं किया तो मैं अभागा हूं और क्या कह रहे हैं लास्ट में हां हतोस्मि हां यानी हाय हतोस्मि मैं हतो यानी मारा गया अस्मि मैं मारा गया हाय मैं अभागा रह गया और मैं मारा गया इस प्रकार से यहाँ पे रोग पत्र नाशक 40 पे छत का उच्चारण हुआ आज 40 छत हमारे बीच में पूरे हुए 40 दिन पूरे हुए कल 41वां दिन है और 41वें छत को हम अब करेंगे देवेंद्र वत्र विधि लाखिन वस्तु सार संसार तारक विभोग विनाधिनाथ प्रायस्व देव करुणाय दिमाकुनी सीतत्य मत्य भय दैव सुना पुराश ओ मैया क्लीम क्रोम काल सर्पद शांतय वैभव प्रदाता श्री पारसनादा नमः अधम स्वामते स्वाहा यथस्ति नाथ भवदत्ति सरोहाणा भक्ति फल किमपि संतत संचिताय तद्वेक एक शरणस्य शरण्य भूय स्वामी त्वमेव मे त्रिभुवन्तरे ओम श्री हरं क्लीं करं काल सर्व शांतय मनोवांछित फल प्रदाता श्री पारसनाथ नमः सुकांते स्वाहा इत्थं समाहि धियो विवर्ति नेत्र सकल सत्कुल कंचुकि सांग भागा चर्वेक निर्मल मुखांबुज बद्ध द्रक्ष शांति पाठ पैनवा ओम प्रेम के द्वारा 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 शांति पाठ पैनवा ओ
ओम श्री सम्यक् कृष्णाय नमः ओम श्री सम्यक् ज्ञानाय नमः ओम
महाभूत समय चढ़ गए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की कल्याण मंदिर महामंडल विधान की और अतिथि विद्याभूषण शक्ति शारदीय महाराज की जय। मंदिर हो कल्याण के गुण है बचनाते जय माला मोक्ति थी प्रभु पास नाथ अनाथों के चरणों में शीश नवाते हैं जय गीत राग सर्वज्ञ हो बचनामृत भव सुख पाते हैं इस भव नाना बन तप करते तपसी को तुमने समझाया हिंसा क्यों करते अग्नि में नामों का जोड़ा तल पाया नाना तप दीना समझ सका क्रोधित हो मुख से ओंकारा हम लड़के का लड़का होकर शिक्षा दे Thank you.
सब संबंधी हेतु व्यापार संबंधी हेतु महामृत्युंजय विधान का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। जिन महानुभाव को अपनी ओर से करवाना है वह अपना नाम हमारे नंबर पर लिखवा सकते हैं। उसके साथ साथ त्रिलोक के बड़गांव में आचार्य श्री की आशीष से एवं पूज्य गुरु दृष्टि भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक गौशाला भी यहाँ पर चलती है, जिसके 1500 मेंबर गौशाला के बनाए जाएंगे। एक मेंबर की राशि मात्र 500 रुपए प्रतिमाह है। आप एक साल की राशि दे करके 6 महीने की दे करके जैसे आपका मन बने उस प्रकार आप दे करके सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। एक महीने की राशि मात्र 1 सदस्य की 500 रुपए है। जय जय पंच परम पद होर से जाए नव देवो मोचेश नवाए तिशम आदि चो वीश की नंदा विश्व शांत सुग्रानंद कंदा सर्व शरण के महिमा नारे शरण ले नए दुखाए बोले अनंत दिव्य में प्रगटाए तीन लोक के नाथ पाए। हे प्रभु आप शांत दुख हारे चरण कमल में बिने हमारे विश्व देश पर देश शांत हो जन मानव से प्रेम जय।